देखिए शॉप बंद होने वाली, बाकी इस मैडम की शॉपिंग ही खत्म नहीं हो रही है। पता नहीं क्या क्या कर भाई, कितना टाइम है और शॉपिंग कभी खत्म होगी कि नहीं तुम्हारी? अरे मैंने अपने लिए कोई ना लिया है, बेटे के लिए और पतिदेव के लिए। हाँ थैंक गॉड आज बच गए फाइनली, मेरे को लगा आज भी अपने लिए शॉपिंग नहीं, थोड़ा तो किया ही है, ऐसे हो नहीं। हाँ बस मुझे तो पता ही था ना। चलो जल्दी खाना खाना है, भूख लग रही है। शॉपिंग है, एक बैग और है वो गाड़ी में रख दी है मैंने। फाइनली शॉपिंग खत्म, अब हम लोग डिनर करने जा रहे हैं। बहुत जोर की भूख लगी हम। भागो भागो, वो व्लॉग शूट कर रही है। ये जो बाहर फोटो क्लिक करवा रही थी वो यहाँ मेरे साथ पार्लर में भी आई है, क्योंकि बाहर रोशनी नहीं थी तो ये बोली मैं यहाँ आके आपके साथ फोटो क्लिक करूँ। बहुत अच्छा लगता है ऐसे फैंस आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम लोग हैं यहाँ तक। तो देख सकते हो मैं खुद कैमरा लेके सामने से फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ कि भाई हाँ लो हम सब साथ में क्लिक करवा लेती हैं। सो आपके जीजू को भी मैं यहाँ लेके आ गई हूँ पार्लर। सो कैसा लग रहा है बोलो, सर्विस अच्छी लग रही है ना? ईशु के राज में अच्छी अच्छी सर्विस मिलेगी। अभी इन्होंने फुट मसाज करवाया है, क्या क्या करवाया भैया इन्होंने? और वो देखो वो अलग ही नाच रही है वी हो। अब आपको लेके चलते हैं उनके पास, पबजी लवर के पास। मेरा तो डिलीट हो गया, डाउनलोड ही नहीं करके। और एक तो डाउनलोड करके दिया, तो कुछ चल रहा है मेरा उस समय कुछ भी नहीं करा है। ए लड़की कुछ भी नहीं हुआ, मैं इनसे थोड़ी शिकायतें कर रही हूँ कि अब इन लोगों को आपने सारा काम कर दिया, इनके जाने के बाद मैं फ्री होंगी तो मेरा सारा काम करना है। आपका भी करेंगे पूरा ट्रेनिंग। ये लड़की मुझे मार रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। हम लोग डिनर करने वाले हैं और ये देखो लाला की थाली तैयार हो रही है खाने की। लाला जी कहाँ है हमारे? लाला जी का ये बिना ये प्याज लहसुन का है ये सब्जी, और ये बिना प्याज लहसुन का खाना हाँ। लगने वाला है। पहले हम लाला जी को खिलाएंगे, फिर हम सब नाइट में पार्टी करेंगे। व्यू पानी पिलाएगी इसलिए। अच्छा हाँ। व्यू अभी रुको, पहले खानी का खाना वो वाला पी सकती है, कोई बात नहीं दूसरा पिला देंगे। हाँ कोई बात नहीं बेटा पी ले, बहुत जोर से भूख भी लगी है। बस सब बच्चे खाना खाएंगे सबसे पहले, उसके बाद मम्मा और पापा लोग खाएंगे। नहीं बेटा याला नहीं पिला सकते अब लाला जी को, आपने झूठा कर दिया, दूसरा पानी पिलाओ। अब बस अभी इनको पानी पिलाएंगे, पानी का बोतल, पानी का बोतल का है ये देखो। पबजी वाले तो मतलब मानने के लिए तैयार नहीं है, पबजी नहीं कर रहे हैं। पूरा खाना रेडी है और अब हम लोगों को बहुत जोर से भूख लगी है और हम खाना खाने वाले हैं। बस अब हम टूट पड़ेंगे खाने पे। बस होना चाहिए दोनों का खाना। ओके पहले हम अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे, फिर हम सब साथ में, फिर हम सब साथ में साथ करेंगे, पहले खाना खाएंगे। सारे जीजू वगैरह उस रूम में बैठे हैं और हम इस रूम में, बॉयज गैंग उधर है और गर्ल्स गैंग इधर है। सिर्फ ये दो तो बच्चा पार्टी, ये बच्चा पार्टी देखो इनका पार्टी है। नहीं मोहित भैया को हमने इस रूम में बिठा रखा है जानबूझ के कि हमारे वीडियोस वगैरह शूट करें। हमें भी खाना दे दो, बस अब आपको खाना दीजिए, ये बच्चों को खिला दे, फिर वो बच्चों की बारी है। हाँ देख सकते हो हम लोग सब डिनर करने बैठ चुके हैं, ये देखो। और इधर मेरी BFF कर रही है तैयारी, पूरे सबको खाना सर्व कर रही है। मैं सोच रही हूँ खा गई मैं। तो क्या क्या इसमें लेंगे? दाल, ओके, चार तरह की सब्जी है, दो तरह की दाल है, दो तरह के रायते है, गुलाब जामुन है, रोटी है, नान है, जीरा राइस है। बेकार आ रहा खाने के लिए, बहुत ज्यादा भूख लगी है। ओके ये म्यूजिक लगा लिया। हेलो हेलो, भूख लग रही है आपको? बहुत तेज भूख, भूख आ तू नान खा ले। नीचे रखो, मैं नीचे रख दो भैया। बोला किसको? डस्टबिन में। हाँ डस्टबिन, उसमें वॉश बेसिन में गिरा के पानी वो करता है। और चार कटोरी बहुत है ना दाल के लिए। हाँ अरे सरिया आ गया, सरिया आ गया। राजीव मत करना,
रात को अगर मुझे किसी ने सर दबाने के लिए बोल दिया मैं बदला वही निकालूंगी। अरे पुनिया दा मुनिया का क्या हाल चाल है? पुनिया बढ़िया पुनिया। इन लोगों की लड़ाई चालू हो गई। बोला मेरे राजस्थान से सबकी वॉल्यूम क्या हाल चाल है? और जीजू क्या हाल चाल है? मेरा हाथ उठ जाएगी। ऐसे मुझे इन लोगों की वॉल्यूम कोई धीमी नहीं दिखी। क्यों परेशान कर रहे हो? हम आपके पैर पड़ जाए आपका हो तो। मैंने कुछ बोले ही नहीं। हम आपके पैर पड़ जाए। अच्छा जेठू जी मैंने कुछ बोला क्या? ये कैसे बोलते हैं बताऊंगा। ये बैठे अब दोनों बैठे खुशी यहाँ बैठी है मोबाइल चला रही है। अब सरिता को वीडियो का बोल रहे हैं पानी सब नहीं। अब सरिता आवाज आएगी खुशी और वीडियो बना दी। अब और कौन बनाओ दीदी? मां मैडम भी हिंदी में खुशी मेरा वीडियो वो एडिट कर देता है ऐसा करना। अभी नहीं करूंगी दीदी मैं बाद में कर दूंगी मैं भी खेल लूं। अरे मेरे तुम दोनों पास में ही तो खड़े हो ये किसको जा रहे हो? एक्चुअली क्या हमारा जो पीएल फैमिली है ना वहां पे सारे की वॉल्यूम यूं है यूं मेरी मम्मी की और ज्यादा तेज मेरी तो काफी। हम तो करते थे कि अगर आपकी वाइफ के शादी हो ही रखी हो 8 साल का बच्चा हो उस लड़की का अगर डिवोर्स हो उस लड़की से शादी करोगे रेडीमेड मिलेगा। अपना काम ही करेगा अपने करा चल बेटा तू वही आना था सब मेरे 8 साल को हो उसके बाद तू आ जा ना रो बेबू मम्मी दूध पीना मम्मी कुछ ये बना बना घर का भाईचारा। चलो कैसे मेरे को गर्दन सर लटका के एकदम बैठे हुए हंसी लगाएगी ना। कितने लोग थे? सब चले गए? कहाँ चले गए? सब शांत हो गए। कार्ड्स खेलते खेलते यहाँ थम्स अप पिए जा रही है। ये देखो क्यों दे दिए वो मेरे इधर करो हाय करो सब कोई। अरे ओ पहला उधर बोलो। अरे ओ पबजी पार्टी इधर देखो। क्या बोलूंगी ईशु तुमने पेडीक्योर क्यों नहीं करवाया? मैंने कभी नहीं करवाया। इशू ने कभी करवाया? बगैर पानी के घर पे करना तो पेड़ दबा दूं प्लीज बहुत दुख रहा प्लीज प्लीज करना पड़ता है क्या करें? तुम्हारी तो एक नंबर के इशू है। इशू तुम तो बहुत लकी हो यार। जना करना पड़ता लेकिन तो हम ही आए थे अरेंज होती ना तो 2 मिनट में बोलते चलो गेट आउट। अब इसका रिप्लाई जेठू जी देंगे। 1 मिनट जेठू जी रिप्लाई देना अरेंज मैरिज और लव मैरिज के बारे में। वो देना चाहते हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं अभी। नहीं नहीं कुछ खा बोलो ना मुंह खाली है। अबे बोलो ना जेठमल जी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। एक दो टू एंड हाफ थ्री गंदी वाली ले आ जाओ बोलो 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 ना क्या कुछ भी नहीं आया बोलो ना बोलो। लव मैरिज के बारे में बोल रहे हैं कि उन्होंने लव मैरिज किया है ना इसलिए उनको पैर दबाने पड़ रहे हैं। अरेंज मैरिज होती तो अरेंज मैरिज होती तो अरेंज मैरिज होती तो भी पैर ही दबाने पड़ते। बोलो बोलो आनंद भी आप ही बोलो। क्या मैंने सुना क्या लोकेश? एक मिनट लोकेश जी जो बोल रहे हैं कि लव मैरिज है ना इसलिए उनको इशू के पैर दबाने पड़ रहे हैं। अरेंज मैरिज होती ना तो कब के हटा देते। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरेंज मैरिज में भी पैर दबाने पड़ते हैं ना? दबाव तो रहता है ना। दबाव बराबर रहता है क्या? मेरी थी मैं जीता। दबाव बराबर रहता है ना? मैं जीता मैं जीता इसके पास बोलो तो एक मिनट एक चुप रहो बोलो। शक्ति भारी है। सो रात को कितने बज रहे? 3 बज रहे हैं तो ये लोग अब जा रहे हैं। बाय बाय गाइस वेलकम वेलकम। वैसे कैसा लगा आपको हमारे बहुत अच्छा बाय 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 तू कहाँ जाएगी एडिटिंग कौन करेगा? डिनर बहुत टेस्टी था बाकी उससे ज्यादा टेस्टी आपका नेचर था। गुड नाइट तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ और सुबह 12 बजे आप सबके साथ। चलो गुड नाइट बाय बाय गुड नाइट। सो ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आ जाए हेमो। सो ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अब हम भी सोएंगे बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ।